किसान प्रावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लेके आया है कैन स्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तों बचाउंदा है। कैन स्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में, सिरसा के सेतिया पैलेस में, जहाँ पे आपको बता दें कि गोकुल सेतिया जो कि निर्दलीय तौर पे 2019 में चुनाव लड़े थे और 600 वोटों के मार्जिन से जो वो पराजित हुए थे, वो उन्होंने आज जो वो अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है, तो कुछ गलत ना होगा ये कहना चाहूँ। तो आपको तस्वीरें अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो गोकुल सेतिया जो सेतिया पैलेस में कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग जो है वो उनके द्वारा रखी गई है, उस मीटिंग में आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनको समर्थन करते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सिरसा हल्के का विकास कराना है, गोकुल सेतिया को जिताना है, इस स्लोगन के साथ जो है वो गोकुल सेतिया लगा यहाँ पे जो है वो इस कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन जो है वो गोकुल सेतिया के द्वारा यहाँ पे जो है वो किया गया। और आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का जमावड़ा हमें गोकुल सेतिया को समर्थन करता हुआ, सहयोग करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी जो है वो हमें इस कार्यक्रम के अंदर देखने को मिली, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो महिलाएँ भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर, युवा महिलाएँ हैं वो भी जो है वो इस गोकुल सेतिया के इस शक्ति प्रदर्शन में अपना हिस्सा डालती हुई जो है वो हिस्सा लेते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इसके पीछे की अगर बात करें तो जो ये पंडाल है इसके पीछे भी जो है वो चाय पानी का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे भी लोगों की जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या जो है वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि गोकुल सेतिया का चुनावी आगाज जो है वो इस रैली के माध्यम से जो है वो हो गया है, तो कुछ गलत ना होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि चुनावी शंखनाद जो है वो गोकुल सेतिया के द्वारा जो है वो कर दिया गया है, और लगातार जो है वो यहाँ पे लोगों को बुला करके गोकुल सेतिया जो है वो इस आगे की आगामी रणनीति जो है वो तैयार करने वाले हैं। और चर्चाएं ये चल रही हैं कि गोकुल सेतिया एक बहुत बड़ा ऐलान, एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके लेने वाले हैं। आखिर आने वाले समय के अंदर क्या वो फैसला होगा, लगातार जो चर्चाएँ चल रही है कि गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो वो तमाम चर्चाओं पे आज जो है वो अंकुश लगाने का काम गोकुल सेतिया जो है वो करने वाले हैं। आखिर क्या बड़ा फैसला होगा, क्या गोकुल सेतिया वाकई में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर इनेलो से चुनाव लड़ेंगे, या फिर पिछली बार की तरह जो है वो निर्दलीय तौर पर जो है इनेलो के समर्थन से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त अगर मैं आपको मुख्य स्टेज की अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मुख्य स्टेज की तस्वीरें देखिएगा कि आसपास के गांव से जो है वो तमाम किसान वर्ग से संबंध रखने वाले तमाम लोग जो है वो मुख्य स्टेज को साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्टेज पे जो है वो युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी जो है वो गोकुल सेतिया को आशीर्वाद देने के लिए लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मुख्य बैनर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि सिरसा हल्के का विकास कराना है, गोकुल को जिताना है, इस स्लोगन के साथ जो है वो गोकुल सेतिया लगातार चुनावी मैदान में जो है वो उतर रहे हैं। और सामने तस्वीरें देखिएगा कि युवा जैसे जैसे जो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो गोकुल सेतिया को मोमेंटो भेंट करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके जो है वो एक उनका अभिवादन जो है वो उनका सम्मान जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम युवा शक्ति जो है वो गोकुल सेतिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलती हुई लगातार दिखाई दे रही है, और युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि गोकुल सेतिया के साथ लगने का रीजन भी जो है वो युवा खास तौर पे ये बताते हैं कि गोकुल जो है वो युवाओं के लिए लगातार जो आवाज़ उठाता है, इसके साथ हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम जो गोकुल सेतिया के द्वारा किया जाता है। और किसानों के समर्थन में अगर बात करें तो जो धरने प्रदर्शन हुए थे उन तमाम धरने प्रदर्शन के अंदर गोकुल सेतिया की अहम भागीदारी भूमिका जो है वो हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जो फ्लडी सीजन आया था उस फ्लडी सीजन में भी जो वो गोकुल सेतिया अपने सफ़ेद पैजामे कुर्ते की परवाह किए बिना जो उस मटमैले कलर के पानी के अंदर जो वो कूद पड़े थे और मिट्टी से भरे बैग उठाने में किसानों की मदद लगातार करते हुए दिखाई दिए थे। तो यही कारण है कि गोकुल सेतिया के साथ लगातार जो है वो लोग कदम से कदम मिला करके, खास करके किसान वर्ग के लोग, किसान तबके के लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, गोकुल सेतिया क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ ऐलान किया जाता है, क्या गोकुल सेतिया निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे, इनेलो के सहयोग
सहयोग से लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, वो जानने के लिए चलते हैं गोकुल सेतिया के पास। गोकुल भाई, लगातार चर्चाएं कांग्रेस में जाने की आपकी बनी हुई है और लगातार बाजार में लोग कह भी रहे हैं अगर कांग्रेस में गोकुल जाते हैं तो चुनाव जीतना गोकुल के लिए आसान होगा, आपका मन क्या कहता है? मैं अभी गया नहीं कहीं, मैं आपको आगे की क्या बता दूं साहब, मैं अभी कहीं गया नहीं। इच्छा सर, इच्छा तो मेरी लोगों की सेवा करने की है। मेरी तो ये इच्छा है कि हमारे सरसे वालों का डंका बजना चाहिए हरियाणा की विधानसभा में। आप करेंगे चर्चा जल्दी बैठ के, आपसे सलाह मशवरा करके जो है राजनीति देखते हैं।